ओके तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं इस सीजन 15 प्लस केडी मेंटेन करने वाला हूँ और पूरा का पूरा सीजन खेलने वाला हूँ। वैसे तो हम लोग रैंक पुश भी नहीं करते हैं और कॉम्पी भी नहीं खेलते हैं, कॉम्पी खेल के छोड़ दी, रैंक पुश करके छोड़ दिया। तो इसीलिए अब जो मैं गेम प्ले बनाने वाला हूँ वो सारे के सारे गेम प्लेज में मैं आपको अपनी एंड में केडी दिखाने वाला हूँ। और आपको क्या लगता है, क्या मैं 15 प्लस केडी रख पाऊंगा इस सीजन में? फिलहाल के लिए सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। और अभी मैं आप लोगों के लिए न्यू गेम प्ले भी लाने वाला हूं जिसमें मैक्स एएमआर मैक्स फार्मर्स के गेम प्ले होंगे और साथ ही साथ होने वाले हैं। स्पेशल वॉइस ओवर वाले गेम प्ले जिनके अंदर मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा, इन गेम जो मैं कॉल देता हूं वो सेम वॉइस मेरी रहेगी। नीचे खड़ा है मेरे। तो ये सीजन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो मैं कर रहा हूँ तो इसमें सही है या फिर कुछ आप लोग को ऐड अप करना है? अगर कुछ चैलेंजेस वगैरह एड्स करने हैं तो आप लोग कमेंट में लिख देना, जिसके कमेंट में सबसे अच्छे ज्यादा लाइक रहेंगे जिसके भी चैलेंज में, वो चैलेंज में करने का ट्राई करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन बंदों को भरा मैंने, पीछे के साइड आया क्योंकि इधर साइड एक बंदा भागता हुआ स्पॉट हुआ था मुझे, तभी सामने स्पॉट हुआ। तभी मेरे टीममेट्स कॉल देते हैं कि पीछे साइड से अलग बंदे जो आ गए हैं वो रस कर रहे हैं हम लोगों पे। पीछे बंदे आ गए अपने, सामने मैंने ग्रेनेड किया और पीछे के साइड भैया हो गया हम पे रस। अब मैं ऊपर मॉली करता हूँ यहाँ पे, और ये भाई लोग जो ही जबरदस्त सीधे रस कर रहे थे इनकी यहाँ पे कर दी हम लोगों ने ठुकाई। क्या आपने कभी सोचा है कि BGMI की क्लासिक मैचेस खेल के आप डेली के 50,000 रुपीस कमा सकते हो? मुझे पता है ये सुनने के बाद आप मुझसे क्या कहने वाले हो। ए भाई बता ना, बता ना भाई 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 मेरा भाई। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग और इसके 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये 1 करोड़ से भी ज्यादा की विनिंग्स बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट है। मेरा फेवरेट है इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग है और इसके साथ साथ आप लोग नॉर्मल क्लासिक मैच चालू करके खेल सकते हो। सो स्ट्रॉन्ग अपने आप ही ये रिकॉर्ड कर लेगा और आपके सारे किल्स डिटेक्ट कर लेगा और आपको ऑटोमेटिकली पैसे दे देगा। तो गाइस आप BGMI खेल के डेली पैसे कमाना बिल्कुल गारंटेड है और इनका एंटी चीट सिस्टम भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी, वहां जाओ डाउनलोड करो जिससे आपको मिलेगा 600 रुपीज का बोनस और आप मुझसे सिर्फ एक ही बात कहोगे, आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। एंड इस बोनस का यूज करके आप लोग कई सारे टूर्नामेंट खेल सकते हो और मजे की बात तो ये है कि आप लोग फोन पे गूगल पे UPI कहीं से भी ये पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ये होने वाला है, मोगेम्बो खुश हुआ। तो गाइस जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगी, जाके जल्दी से डाउनलोड करो सो स्ट्रॉन्ग और स्टार्ट अर्निंग नाउ। और यहाँ पे ये भैया की भी बना दी पेटी। तो AMR को आप लोग बताओ, फार्मर्स को तो मैं मैक्स नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसका यूज नहीं करते, मगर AMR पहली अपग्रेडेबल गन है तो उसको मैक्स कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि फार्मर्स को भी मैक्स आउट किया जाए या फिर ओनली AMR को बस मैक्स आउट किया जाए और दोनों के गेम प्ले लाया जाए। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक किया और ये देखो कहाँ पे आके बैठा हुआ ये। अब हमें लगा इसका टीममेट भी यही कहीं होगा लेकिन यहाँ से हमें किसी के फुट्स नहीं आते, तो लूट वगैरह करते हैं। सामने बंदा स्पॉट हुआ, अब इसकी जब मैंने पेटी बनाई मुझे ऊपर देखो कहाँ पे भाई, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हैं भाई बंदे, लिटरली गजब गॉड लेवल। सामने हमें बंदा स्पॉट हुआ, एक राइट में विक्की को बंदा स्पॉट हुआ, मैंने सामने वाले पे मॉली डाली और उस पे पहले कर दिया रस। बंदा राइट साइड से फुट्स आए यहाँ पे आ गए, वही तो बचा है।
और ये भाई साहब यहाँ पे मॉली से जल के हो गए फिनिश। लेकिन भैया मॉली से तो कोई और ही फिनिश हुआ, पीछे के साइड अलग वाला बंदा जिसको नॉक किया था मैंने वो, और यहाँ वाला बंदा नॉक हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं और निकल के जाते हैं। और कहाँ यार भाई, क्या करते हैं गेम वाले, फिलहाल के लिए वहाँ से गाड़ी वाड़ी लेके हम इधर आओ। यहाँ पे अभी बहुत गलत सीन होने वाला है, बहुत गलत। देख के आप लोग भाई लाइक के बटन को दबा दोगे। खत्म। ऐसे ही भाई अपना निकनेम सैल्मन भाई ने एक बंदे के ऊपर चढ़ाया, दूसरे बंदे के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी और दोनों को यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम गाड़ी घुमाते हैं और दो राउंड गाड़ी घुमाने के बाद फाइनली यहाँ पे हमें इनका आखिरी टीममेट स्पॉट हुआ। इसी के साथ ये वाली स्क्वाड हो गई पूरी की पूरी खत्म। अब हम यहाँ पे लूट वगैरह करते हैं, देन उसके बाद अपनी यूएस उठाते हैं। और तभी पीछे के साइड से एक बग्घी वाला बंदा हम पे आ रहा था रस करने के लिए, लेकिन जैसे उसने देखा यहाँ पे एक नहीं दो दो बग्घी हैं, उसी टाइम से भाई साहब वो बग्घी लेके पीछे के साइड भाग रहा था। तो हमने डायरेक्ट गाड़ी निकाली और लग गए उसके पीछे पीछे। अब यहाँ पे भी भाई बहुत गलत सीन होने वाला है, ये बग्घी वाले बंदे जा रहे थे और सामने के साइड से इसका टीम मेट आ रहा था, और यहाँ पे देखो अब क्या होता है, वो भाग गए और ये ठुक गया। अब यहाँ मैंने इस स्क्वाड को बोला तू इसे फिनिश कर दे, हम जाते हैं बग्घी वाले के पास। तभी बग्घी वाले यहाँ पत्थर के पास रुके हुए थे। बदमाश तू, मैं उसका नाम देख। एंड यहाँ पे भाई इन तीनों बंदों की हम लोगों ने बना दी पेटी। भाई वो बाइक वाला बंदा जो ठुका ना भाई, गलत ही ठुका। अब वहां से गाड़ी घुमाते घुमाते अपार्ट चेक किया, स्कूल चेक किया, वहां बंदे हमें नहीं मिले, तो फाइनली हम पोचिंग की आए। और यहाँ पोचिंग की में स्क्वाड हाउस की साइड हमें एक बंदा ऐसा लगा था, लेकिन यहाँ पीछे की साइड फायर हो रहा था तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आए। सामने बंदा अब इसकी हम लोगों ने नॉक किया, इस बंदे को पेटी बनाए। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड एक बंदा स्पॉट हुआ था, उधर ही साइड हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्टर लगा के रस कर देते हैं। अब हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, रस करते हैं। ये रहा यहीं पे मेरे ऊपर, ठीक और ये ले आप लोग भी आज जैसी बात कर। ये स्क्वाड हाउस का बंदा था ना बोरा ओपन में, अब उस बंदे को जला के यहाँ जो स्क्वाड हाउस वाला बंदा था उस पे आते हैं हम रस करने के लिए। लेकिन तभी हमें नीचे एक बंदा स्पॉट हुआ, इसको नॉक किया। ये अपने ऊपर चटाई, सामने बस के पास एक बंदा था और हमारे ऊपर एक चटाई वाला बंदा। उड़न खटोला वाला बंदा तो भाई दूर चला गया और आई थिंक सो उसका फ्यूल खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड कुक किया, लेकिन ये ग्रेनेड ज्यादा ही कुक हो गया क्योंकि इसका उड़न खटोला का साउंड अभी भी मुझे आ रहा था, वो देखो सामने जा रहा था। एंड बूम, ये बंदा नॉक हुआ और फ्लाइंग कारपेट वो देखो उड़न खटोला लेके। ये भाई साहब जा रहे थे और उनके उड़न खटोला का बैटरी खत्म हो गया। यहाँ पे स्पाइडरमैन को बोला कि पीछे एक बंदे को नॉक किया उसको जाके फिनिश कर दे, और हम लोग सामने उड़न खटोले वाले बंदे पे जाते हैं रस करने के लिए। तभी यहाँ पे हमने देखा उड़न खटोला स्पॉट हुआ, सामने बंदा भी स्पॉट हुआ। उधर लेटा है वो, देख रहा है हवा में। अब इस खटोले वाले बंदे को हम लोगों ने फिनिश किया, देन उसके बाद वापस जा रहे थे पोचिंग की साइड लूट वगैरह करने के लिए और जोन में जाने के लिए। तभी यहाँ हमारे नीचे गाड़ी,
उस बंदे को नॉक करके मैं यहाँ टेलीपोर्टर लगा रहा था ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं लगा तो मैंने पीछे लगाया उस बंदे के। एंड इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों की हम लोगों ने कर दी ठुकाई और बना दी पेटी। पेटी बनाने के बाद हम अपनी गड्डी वड्डी निकालते हैं और सीधे निकल पड़ते हैं जोन की तरफ। अब हम यहाँ आए, सामने ड्रॉप गिरा हुआ था और गाड़ियां भी हमें स्पॉट हुई थी। और तभी राइट साइड में हमें एक गाड़ी स्पॉट हुई। अब वो बंदे भाग ना पाए इसलिए हम लोगों ने उनके यूएस को ऑलमोस्ट भाई फोड़ ही दिया था, धुआं निकलने लगा था। उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी लेके रस करते। हमें अभी नहीं पता था कि यहाँ पे कितने बंदे हैं। मैंने स्पाइडर को बोला तू गाड़ी घुमा, यहाँ पे हम रोकते हैं। एक बंदे की फुट साए। ये बंदा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर गया। मैंने खोली मॉली, पीछे से मेरे टीममेट्स ने कर दिया डांसिंग ग्रेनेड। तभी भाई उड़न खटोला लेके एक बंदा पीछे की साइड गया। अब यहाँ पे ये तो हो गए मॉली से भैया खत्म। उड़न खटोला लेके पीछे पहाड़ पे वो बंदा, वो देखो उतर गया। अब यहाँ पे देखना भाई गलत सीन। एंड ये भाई साहब हो गए खेल इनका खत्म। और पीछे हिल के साइड हो रहे था भाई फायर और वो हम ही पे कर रहा था। अब यहाँ पे हम लूट वगैरह करके उड़न खटोला लेके डायरेक्ट उसी बंदे पे कर देते हैं रस। और यहाँ पे अकेला था और जैसे गाड़ी और उड़न खटोला देखता है तो ये यहाँ से भाई टेलीपोर्टर लगा के भागने का ट्राई करता है। एंड इसी के साथ ये वाले बंदे की भी हम लोग बना देते पेटी। पहले इसने तो उड़न खटोले से भागने का ट्राई किया लेकिन पता नहीं ये भाग नहीं पाया। इसको लगा शायद उड़ूंगा तो ये लोग मार देंगे मुझे, और इसी चक्कर में इस बेचारे ने एक टेलीपोर्टर लगाया और अपनी पेटी बनवाया। अब यहाँ पे हम उड़न खटोला लेके निकल के जा रहे थे और जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे एक बंदा सांप बन के लेटा हुआ था भाई। मैं बोला यहाँ से क्या मजे ले रहे हो क्या भाई तुम। अब यहाँ पे भाई चारों साइड से बंदा घिर गया, उधर गाड़ी, उधर से डीपी वाला बंदा, इधर हम लोग उड़न खटोला लेके। दिखता नहीं है भाई कि तू किधर साइड है। अब यहाँ पे उसकी पेटी बनाई हम लोगों ने और राइट साइड डीपी वाले भैया पे कर दिया हम लोगों ने रस। लेकिन यहाँ पे भैया जो गाड़ियां लगी हुई थी, यहाँ विक्की ने कॉल दिया बग्घी लगी है भैया उस कोने पे। मैं बोला भाई पहले नीचे डीपी वाले को देख लेते हैं और फिर वो दूर वाले को देख लेंगे। भाई दो ही बंदे बचे हुए हैं। सामने ओपन में एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने यहाँ पे एक मॉली कर दी। ओपन में लेट गया। वॉच आउट। मेरे मार्क पे। तीन बार आया। जैसे ये नॉक हुआ मैं समझ गया भाई आखिरी बंदा इसी घर के अंदर है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे घर पे अंदर ग्रेनेड किया वो बंदा यहाँ पे नहीं पीछे के साइड था स्पाइडर के साइड फुट साइड उसके मैंने ग्रेनेड किया। एंड इसी के साथ 31 किल्स चिकन विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइज आज का गेम प्ले आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और आपको क्या लगता है क्या हम लोग इस सीजन 15 की केडी हर गेम प्ले के बाद मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं। और न्यू एमआर का गेम प्ले आप लोग को आएगा, फार्मर्स का गेम प्ले आएगा, उसके लिए वेट करना। और एएमआर के साथ फार्मर्स भी मैक्स आउट की जाए या फिर नहीं कमेंट्स बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले में। टिल देन सन आ रहा, थैंक्स वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।